नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना श्रवण सीएलसी सीकर से। आज 21 मार्च 2023 को इस वीडियो के माध्यम से मैं सेशन 2023-24 के हमारे कोर्सेज, कौन कौन से कोर्सेज कब कब स्टार्ट होंगे और कब फिनिश होंगे, साल भर का प्रोसेस क्या है, इन सब बातों के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। ओके डियर, आप सब जानते हैं आपकी सीएलसी जिसका हेड ऑफिस सीकर है, अलवर जयपुर हमारी ऑफलाइन दो ब्रांचेज हैं, ऑफलाइन सेंटर है। सीकर में नीट जेई एनडी तीनों कोर्स चलाते हैं, अलवर और जयपुर में नीट और जेई कोर्स चलाते हैं। प्री फाउंडेशन हमारा सीकर, अलवर, जयपुर सब जगह है। अब मैं एक एक कोर्स की आपसे बात करने जा रहा हूं। जो स्टूडेंट अभी ट्वेल्थ के एग्जाम दे रहा है या ट्वेल्थ का एग्जाम दे चुका है, ट्वेल्थ पास है, उसके लिए हमारे पास होता है टारगेट कोर्स। वो हमारे पास टारगेट कोर्स में आता है, नीट में, जेई में, एनडीए में, हिंदी मीडियम भी है, इंग्लिश मीडियम भी है। ओके क्लियर। अब जो बच्चा टेंथ के एग्जाम दे रहा है, दे चुका है, टेंथ पास है, वो हमारे पास 11, 12 दो साल के लिए फाउंडेशन कोर्स में आता है। एक बच्चा ऐसा भी है डियर जो 11th कहीं स्कूल से या किसी लोकल सिस्टम से करके फिर उसको पता लगता नहीं यार 11th मेरा डिस्टर्ब है और नीट और जेई में तो आधा 11th आता है, वो हमारे यहाँ 12th का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। या उनके लिए आपकी सीएलसी का एक बहुत सुंदर बैच है 2-in-1, जहां 11th और 12th का कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा एक फीस में। तीन कोर्स हो गए, ये बात एनडीए के साथ है। वो 10th के बाद बच्चा 11th 12th फाउंडेशन जेई का भी ज्वाइन कर सकता है, नीट का भी ज्वाइन कर सकता है, एनडीए का भी कर सकता है। नीट और जेई दोनों मीडियम में है, एनडीए केवल इंग्लिश मीडियम में है। नीट, जेई, अलवर, सीकर, जयपुर तीनों जगह है, एनडीए केवल सीकर में है। इज इट क्लियर। अब आता है 6, 7, 8, 9, 10 प्री फाउंडेशन, उसके सीकर भी है, अलवर भी है, जयपुर भी है, ये केवल इंग्लिश मीडियम में है। प्री फाउंडेशन तो कहने की आवश्यकता ही नहीं है, समय की मांग है। जो लोग समय से आगे चलते हैं या समय के साथ चलते हैं वो हमेशा सफलता ज्यादा पाते हैं। तो कहने की जरूरत नहीं है साहब, आप इंटेलिजेंट हैं पर आप लेट स्टार्ट होंगे तो वो लोग आपसे आगे निकल जाएंगे जो आपसे कम इंटेलिजेंट है। अब आता है दोस्तों कि पूरी साल क्लासेज कैसे चलती हैं, कोर्सेज कैसे होता है। तो दोस्तों डेली हमारे यहाँ 6 घंटे क्लास लगती है, एक संडे छोड़ के एक संडे हमारे टेस्ट होते हैं। फिर जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ता है, रिव्यू टेस्ट, रैंडम टेस्ट, रिव्यूजन टेस्ट के नाम पे, कहने का मतलब ये एडमिशन से लेके नीट जेई 2024 या नीट जेई 2025 तक आपके सिलेबस को टेस्टों के माध्यम से कम 6 से 7 बार हम लोग रिवाइज करा देते हैं, कराते आए हैं। हमारा खुद का अपना स्टडी मटेरियल है जो दोनों मीडियम में है, हमारे टेस्ट सीरीज जो है वो दोनों मीडियम में है। हाँ, केवल आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहें तो आप सीकर, अलवर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, दिल्ली, इसार, ये ऑफलाइन टेस्ट सेंटर है, और ऑनलाइन तो आप कहीं भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, इस वीडियो से एक बार क्लियर कर देता हूँ, सेशन 2023-24 में हमारी टेस्ट सीरीज ऑनलाइन है। ऑनलाइन क्लासरूम का हमारा अगले सेशन में कोई बैच नहीं है, क्योंकि अब कोरोना जा चुका, माहौल सब सही हो चुका, इसलिए हमारा केवल ऑफलाइन स्टडी सेंटर है तीन जगह। ओके डियर, अब बात आती है स्कूल एजुकेशन की। तो आपके अपने सीएलसी सीकर में दो स्कूल चलाता है, एक स्कूल राजस्थान बोर्ड का है केवीएम, जो 6, 7, 8 इंग्लिश मीडियम में है, 9, 10, 11, 12 दोनों मीडियम में है, साइंस भी है, आर्ट्स भी है, और सबसे सुंदर चीज वहां एग्रीकल्चर इस बार हम लॉन्च करने जा रहे हैं। अब आगे चलते हैं, सीबीएसई स्कूल की बात करें तो हमने हमारा जो पहले बिहार स्कूल था उस कैंपस को बिल्कुल एक नए सिरे से डेवलप करके, जो मेरा छोटा बेटा समर चौधरी है जो बीटेक एनआईटी से पास आउट है, स्पेन से एमबीए करके, फुल उसको साहिल और मैंने एक साल हमारे साथ तैयार करके अभी सीआईएस सीएलसी इंटर स्कूल में एजे डायरेक्टर, या मैं कहूँ कि वहाँ सब कुछ सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पे देख उसको सौंपा है। वो कहाँ से कहाँ है, प्री प्राइमरी से लेके 12th तक। तो बात का सारा समझ गए कि प्री प्राइमरी से 12th तक यदि आपको पढ़ाना केवल स्कूलिंग सीबीएसई तो आप कहां जाएं, सीआईएस। आपको 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 केवल राजस्थान बोर्ड के थ्रू स्कूलिंग कराना है तो कहां जाएं, केवीएम। आपको प्री फंड से कराना है 6, 7, 8, 9, 10 तो कहां है, सीएलसी। आपको कराना फाउंडेशन तो कहां है, सीएलसी। आपको करना टारगेट तो कहां है, सीएलसी। ये दोस्तों कोर्सेज थे। अब सबसे अहम बात आती है कि श्रवण सर इसकी फीस क्या है, तो फीस की बात तो वीडियो में मैं करूं, उससे बेटर है कि ये सीएलसी परिवार .in ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ कंप्लीट फीस स्ट्रक्चर पड़ा है। और कौन कौन सी स्कॉलरशिप है, तो मूल दो स्कॉलरशिप है, एक तो बोर्ड के परसेंटेज पे, एक हम लोगों ने टेक्नो 2023 का एग्जाम करवाया था उस एग्जाम के आधार पे, तो जिस बच्चे ने एग्जाम दिया है उसको पता है कि मेरी स्कॉलरशिप क्या है। बोर्ड की स्कॉलरशिप आप ही देख सकते हैं।
खुद की हॉस्टल व्यवस्थाएं, चाहे स्कूल हो, चाहे कोचिंग हो, चाहे आरबीसी हो, सीबीएसई हो, एक अच्छी सी शिक्षा टीचिंग टीम, टीचर्स की टीम, बहुत गहरी बात कह रहा हूं, अच्छी सक्षम योग्य टीचर्स की टीम, पेड सर्वेंट्स की टीम नहीं, बहुत होश में कह रहा हूं, अच्छे शिक्षक यहां पढ़ाते हैं। सीएलसी का मूल मंत्र है शिक्षा, सुरक्षा, संस्कार, सफलता। इन सब की मैं केवल बातें नहीं कर रहा हूं, आप संस्कार की बात करें तो असेंबली देखें, रोज शाम को मेरा बच्चा मेरे विजय ग्राउंड की जमीन पे बैठ के 15 मिनट आंख बंद करके खुद से बात करता है। दोस्तों एक बात कहते हैं ना, हवाई जहाज से कितना अच्छा क्यों ना हो, उसको उड़ने के लिए हवाई पट्टी पे रनवे पे दौड़ना पड़ता है। तो ये जो आपको असेंबली दिखाई दे रही है ना, ये रनवे है हमारा, ये वो रनवे है जिस रनवे ने मात्र पिछले 4 साल में 2019 से 2022 तक 9 बच्चों दिल्ली एम्स भेजा है। ये वो रनवे है जिसने पिछले मात्र 4 साल में नीट में 1000 की रैंक में 40 बच्चे दिए हैं। ये वो रनवे है जहां जेई एडवांस में मात्र 4 साल में 3500 की रैंक तक 22 बच्चे दिए हैं। ये वो रनवे है जिसने नीट 2022 में 1058 बच्चों को एडमिशन दिलाया एमबीबीएस में। ये वो रनवे है जिसने 93 बच्चों को 2022 की जेई एडवांस में आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आईटी में एडमिशन दिलाया है। मैं इतना ही कह सकता हूं, मेरा 28 साल का अनुभव और मेरे साइल और समर की अपडेशन, उसके बाद हमारी कोर टीम, उसके बाद हमारी टीम मैनेजमेंट की, उसके बाद हमारे शिक्षक बंधुओं की टीम, सब मिलके एक सपना पालते हैं कि हर घर सीएलसी, हर दिल सीएलसी, जय जय सीएलसी, जय जय सीएलसी।